नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई आए दिन ना जाने कितने सारे ऐसे एक्सीडेंट सामने आते रहते हैं जिसमें लग्जरी या स्पोर्ट्स कार्स के ड्राइवर्स तेज रफ्तार की वजह से अपना कंट्रोल खो देते हैं और सामने वाले व्हीकल्स में टक्कर मारकर बुरी तरह नुकसान कर देते हैं। अभी रिसेंटली चैनल पर आपने ऐसा ही एक फरारी का एक्सीडेंट देखा होगा जो खुद दो टुकड़ों में पट गई थी और दो गाड़ियों को भी बुरी तरह डैमेज कर दिया था। आज फिर से वैसा ही एक और ओवर स्पीडिंग वाला एक्सीडेंट सामने आ रहा है जो निसान GTR, मारुति सुजुकी ओमनी और एक स्कूटी के बीच हुआ है और इसे मिस्टर तनिष्क त्रिपाठी जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गोवा के लोटोलिम में हुआ है जो कई न्यूज चैनल्स में भी पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक निसान GTR बोरिम वरना रोड से होते हुए जा रही थी, तभी उसके ड्राइवर का कंट्रोल स्टेयरिंग पर से खो गया और गाड़ी ने सामने से आ रहे ओमनी और स्कूटी को टक्कर मार दिया। जैसा कि ये एक सिंगल रोड है और बताया जा रहा है कि GTR की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसी वजह से ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर यह टक्कर काफी जबरदस्त हुआ जिसमें सारी ही गाड़ियां डैमेज हो गईं। फोटोज में क्लियरली देखा जा सकता है GTR का राइट साइड वाला बम्पर, हेडलाइट, फेंडर वगैरह गायब हो गया है, बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं आया है। दूसरी तरफ ओमनी का भी फ्रंट अंदर घुस गया है और स्कूटी भी बुरी तरह डैमेज हो गई है। इस एक्सीडेंट में दो लोगों को काफी चोटें आ गईं जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उम्मीद करते हैं अब वो सेफ हों। तो भाई इन वाइल्ड चाइल्ड्स को समझना होगा कि सड़क पर इंसान चलते हैं और यह सड़क सबकी है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं है। इसीलिए जो नियम कानून सबके लिए बने हैं उसी को फॉलो करते हुए चलना चाहिए।